अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी खौफनाक होने जा रहा है। अभी मैंने नाइट विजन लगाया हुआ है तो डरिएगा मत। अच्छा, आज की व्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको पिछला बताना चलूँ। आई एम रियली सॉरी, पहले व्लॉग मैं नहीं बना पाया, काफ़ी वीक से कुछ ऑफ में रहा। भाई की शादी थी, बाकी मामला में बिजी रहा, जिसकी वजह से व्लॉग वगैरह नहीं बन पाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त की जानिब। मेरा नेबर ही है, उसका घर में एक रूम है जहाँ पे उसके नाना रहा करते थे। वहाँ पे वो पहले भी मुझसे शेयर करता था कि चीज़ें वहाँ पे हैं, इस तरह मामला हैं। तो आज उसका मुझे काफ़ी सीरियस नोट पे फ़ोन आया कि यार हैपनिंग्स हो रही हैं, कुछ मामला हो रहे हैं। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने कहा साथ व्लॉग भी बन जाए और आपसे भी शेयर कर दें। ये नाइट विजन कैमरा है, तो अभी वहाँ चलते हैं और उसको यूज़ करते हैं। वहाँ भी देखते हैं शायद कुछ वहाँ पे क्या मिल पाता है। तो आज का व्लॉग जो है वो एक हॉन्टेड रूम के बारे में होगा, तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। तो काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि कोई इन्वेस्टिगेशन व्लॉग बनाए, और उसके अलावा आपके बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं वो भी बनाएंगे। अभी एक इसका अचानक फ़ोन आ ही गया, तो मैंने कहा चले आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो आइए उधर चलते हैं। हाँ हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हो गया हीरो, सब ठीक है? अच्छा, दिस इज अरुण, और ये पहले भी डरी मत, ये नाइट विजन ऑन हुआ है। अच्छा, ऐसा है कि ये इज़ माय काफ़ी पुराना दोस्त है, मेरा नेबर ही है। बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, तो अभी इसके घर में जो जो मामला थे, अंदर जाके मेरे ख्याल से वो तुमसे ही जानते हैं, ठीक है? सब ठीक है, मैं कुछ इक्विपमेंट्स लाया हूँ, वो ले आऊँ, हाँ श्योर, ई एम एफ हाँ वगैरह, श्योर ठीक श्योर, है? आइए। मुझे भी कंफर्म हो जाए। हाँ, मैं ई एम एफ भी ले आया था अपने साथ। और इसकी गली में भी खामोशी है। जी, अब अंदर चलते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। तू कभी खौफ में मुझे ये कौन है, काली बिल्ली कहाँ से आई हुई है? काली बिल्ली है? कौन सी काली बिल्ली? तूने बिल्ली नहीं रखी हुई? काली बिल्ली कोई थी या नहीं पहले? नो, आई एम स्केयर्ड, लेकिन थोड़ा। काली बिल्ली नजर आई कसम से। देयर इज नो केयर। यार एक सेकंड, अरे किधर है? होशियार है बहुत यार। शिट भाई, मैं आगे यहाँ से बाहर आ गई, जरा 2 मिनट। अच्छा, अभी काली बिल्ली नजर आई है, बकाया था ये आप लोगों ने भी देखी, रिकॉर्ड हुई है। मैं ये नहीं कह रहा वो कोई चीज है, लेकिन आई हैवंट सीन दैट कैट, मैंने कभी नहीं देखी है बिल्ली। आ जाओ, अरम तुम्हारी स्टोरी सुनते हैं कि क्या था यहाँ पे। यहाँ बैठते हैं दो रात, ठीक है? चलो, ओके जी, हम रिकॉर्डिंग पे हैं। अच्छा अरम, जो व्यूअर हैं, जो उनको बताओ कि क्या सच सच, जब से तू इस घर में है, मुझे पता है मैं 5 साल, 2 साल, हाँ उस मैं मुझे 5 साल तो तुम्हारे साथ हो गए हैं, 6 साल। तो मुझे पहले दिन से पता था कि इसके जो पहले नाना की जगह थी, तो वो फोत हो गए उस उनके नाना बाद। की जगह थी, लेकिन वो रहे नहीं यहाँ पे। ऊपर ऊपर का अच्छा, पोर्शन जो है 6 साल कम यूज उसके हुआ अंदर है? यूज हुआ ही नहीं है, हुआ हुआ ही ही नहीं नहीं, कभी यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो पहले हमारी जो काम करते थे यहाँ पे, काम करने वाली थी, वो ऊपर कहती थी कि बाजी ये है वो है, तो हम लोग नहीं इस चीज़ को इग्नोर करते थे। फिर कुछ फ्रेंड्स ने ये चीज़ नोटिस की, इवन तो आपने भी ये नोटिस की थी एक बार चीज़। तो फिर होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद ऊपर खड़का होना, रात के टाइम चलने की आवाज़ें आना, तो कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा हो गया। जबकि आजकल कोई हवा इतनी तेज़ नहीं चलती कि दरवाजे की बजने की आवाज़ें आए, रात के टाइम चलने की आवाज़ें आए। अच्छा, मैं ये बात करना चाहूंगा, ये इसी रूम में हम बैठे हुए थे, काफी अर्से पहले की बात है। तो मैंने एक ब्लैक सी कलर सी चीज देखी, आप साया। अकेले थे ऊपर? हाँ, मैं ऊपर अकेला था, मैं अकेला था सच। हाँ, मैं पानी लेने गया था, पानी लेने याद गया था। है। हाँ, तो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई व्हाइट कलर सी चीज गई है मेरे सामने से।
तो मैं इसको मैंने बुलाया उसी टाइम में। लिटरली ये घर ऐसा है, एक तो चलें ये भी पॉइंट हो सकता है कि आप अकेले रह रहे हो या ऊपर कम यूज हो रहा हो, वो आपको खौफ आता है ना। मेरे घर में कोई ऐसा कमरा है ना तो जहाँ पे मैं नहीं जाता तो मुझे खौफ आता है। लेकिन अच्छा कंटिन्यू आगे। ये तो हमारे मजहब में भी है कि जहाँ पे 40 दिन तक नमाज ना पढ़ी जाए तो वो भी बसेरा हो जाता है इन चीज़ों का। लेकिन ऐसा अच्छा मैं कभी नुकसान नहीं हुआ, हाँ बस आवाज़ें महसूस होता है कुछ यहाँ पे है कोई चीज़ हाँ है। ठीक गोइंग है, एट योर ओन रिस्क। मुझे कुछ हुआ तो मुझे बता दो, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अगर जी मुझे कुछ होता है तो मैं इसके घर आया था, और आप ये है कि अगर मैं वीडियो के बाद अगर नहीं मिलता तो इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई किधर बुलाया था तुमने। डोंट वरी, आई विल कंटिन्यू योर व्लॉग्स, हाँ ओके? ओह शिट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये है कि ये बच्चे की आवाज़ आई है लेकिन साफ तो घर में होगी। फिर ठीक है, खौफ, खौफ। सबकॉन्शियस माइंड जब आपका एक्टिव होता है तो वो एक बनाना शुरू कर देता है। हाँ तो ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो चले देखते हैं क्या यही है कि होता अब उस कमरे में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ था भी या नहीं। ये कोई प्लांटेड नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये एक जो व्लॉग है ये मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, तो है। हम लोग कुछ यहाँ पे कोई ड्रामाटाइज करने नहीं लगे, जो होगा वो सामने होगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर और आगे हम लोगों चलते ने हैं। ऐसा ये भी नहीं कहा कि यहाँ पे वाकई कुछ है। मैंने हाँ पहले ही क्लियर कर दिया कि मुझे डाउट है, डाउट हो ये सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो। कोई इवन अगर आपके पाइप्स में कोई इशू हो तब भी आवाज़ क्रिएट होती है, हाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो तो लाइट्स ऑफ कर लो, चूहा जाके चूहा भी हो सकता है, चूहा भी हो चूहा भी हो सकता सकता है, है। चूहा भी हो तो सकता आइए उस रूम की जानिब चलते हैं जो कि कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है। है। मैं मीटर से लाइट्स ऑफ कर रहा हाँ ऑफ कर हूँ। दो। ओ आइए उस रूम की तरफ चलते हैं, लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। रेडी है? देख के एक सेकंड। ये मैं पास के पास होते। अच्छा मुझे साथ साथ ये बता दो कि कहाँ कहाँ ज़्यादा तुम लोगों को, कौन सा सामने वाला खामोशी कितनी है? किचन में आया जरा। रीडिंग आई थी ना, रीडिंग आई है। आ गया। और मैं आपको ये बताता चलूँ बार बार कि ये हम नाइट विजन पे हैं। नाइट विजन मींस कि हमारे इर्द गिर्द कोई लाइट नहीं चल रही। ये जो आप अंदर हमारी फुटेज देख रहे हैं ये फुल अंधेरे में हम लोग कर रहे हैं इस टाइम। क्या कोई है यहाँ पे? क्या हमारे अलावा इस कमरे में मौजूद है कोई? अरम 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 शरीफ, पूरा यहाँ पे जाके वापस हाँ रीडिंग आई है, मुझे खुद आई है। दिखाई दे, मैं जरा डाउट तो नहीं हुई है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का हो तो ये तो वो तो बच ना बंद कर दिया चाहिए। हमने ना, हाँ वो तो थ्रू अगर आउट। हो तो ये तो बजना चाहिए। एक काम करते आप हैं स्पेंड करना ना, चाहोगे हाँ तो मैं बाहर बैठता हूँ जरा। ठीक है, और मुझे बचा ली कुछ हुआ तो। ये रीडिंग आ रही है मेरी बात सुन, ये रहे फिर कुछ हुआ तो। अरे मैं काम कर, मैं यहाँ बैठता हूँ। ठीक है, मोशन सेंसर मोशन सेंसर मैं देखता हूँ, वो लगाते हैं फिर लगाते हैं। ठीक है, अरे मेरी बात सुन, मुझे लॉक मत करी, मैं बता रहा हूँ। लॉक तो नहीं होता बाहर से, क्योंकि ऐसी कोई हरकत फजूल नहीं करनी। ठीक है, फजूल हरकत कोई नहीं करनी, सुन रहे हैं? क्या कोई चीज है यहाँ पे इस कमरे में?
खामोशी है अभी। अरम भी साथ वाले कमरे में चला गया और मुझे यहाँ पे छोड़ गया। लिटरली बहुत खौफ आ रहा है। मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लगाता हूँ ऑक्सीजन। कौन है? की कौन है? अरम? वेट अरम, शिट शिट शिट, दरवाजा खुला है और बंद हुआ है, क्यों नहीं लग रहा? ये दरवाजा बंद हुआ है, ये बकायदा दरवाजा जो है ये बंद हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे अरम, व्हाट द हेल इज दिस? अरम यार, ये क्या मजाक है? अरम किधर है? शिट यार, अरम किधर गया ये? अरम, मेरे ख्याल से वो नीचे फैमिली के पास चला गया। कौन है इधर? कौन है? अल्लाह, ये अरम, अरम तो मजाक तो नहीं कर रहा इधर? ये ट्रेडिंग आ रही है, ये कौन है? क्या बात कर सकते हो मेरे से? ये मुझे लिटरली वो सामने नाजिन वो लगा है कि ये पर्दा हिला है। अरम अगर तुम यहाँ है तो मजाक ना कर मेरे साथ, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। अरम कसम से यहाँ भी इधर आओ, इधर आ, इधर आ। ये रीडिंग रीडिंग बार बार आ रही है रीडिंग। अरे मजाक ना कर भाई। भाई आपके सामने ऊपर आया मैं भी। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कसम से, ये रीडिंग देख रहा है, ये रीडिंग देख रहे हो? रीडिंग तो सही आ रही थी, कैसा क्या हो गया है यार? मैं पैनिंग यार, मेरी बात सुनना, मसला ये हुआ है कि मैं इस कमरे में अकेला था, आप जब चले गए हो तो मैं इस कमरे में कैमरा लगा रहा हूँ, तो मुझे बकायदा दरवाजा नॉक हुआ है, जैसे बंद हो रहा है, ठीक है? तो यही दरवाजा, यही दरवाजा, उसके बाद मैं उसी टाइम कैमरा पकड़ के तुम्हारे कमरे में गया हूँ। मैं समझा तू मजाक लगा हुआ है। मैं ऐसा क्यों मजाक करूंगा? मैं वही तो सोच रहा हूँ, कसम से मैं इस कमरे से वहां गया हूँ, इसका मोबाइल बेड पे पड़ा हुआ था, ये नीचे चला गया था। दरवाजा नॉक हुआ? नहीं, दरवाजा नॉक हुआ, इधर भी आवाजें आई हैं, सामने पर्दा हिला है, मैं मजाक कर रहा हूँ। पहले मुझे ये लगा कि तू मजाक कर रहा है, मैंने कहा ये मजाक क्यों करेगा यार, खुद एक घर बंदा, अगर एक बंदा तो जो, मतलब कैसे हो सकता है? अगर मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तो फिर मैं पर्दा भी हिलाऊंगा, मैं फिर यहाँ पे आवाज, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, एक बंदा अपने घर बुलाकर इस तरह की हरकत तो नहीं करेगा ऑब्वियसली। अरे देर इज समथिंग, और ये डाउट नहीं था तुम्हारा, ठीक है? और अभी भी कौन है? ये रीडिंग आ रही है, क्या शैडो टाइप? लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, या लाइट ऑफ करो। मैंने वो पर्दा हिलता हुआ देखा था। अच्छा, हम यह मोशन सेंसर लगाते हैं तो उसके बाद देखते हैं। अच्छा अरुण, हम ये मोशन सेंसर लगा रहे हैं इधर, ठीक है? और देखते हैं क्या होता है, हम सामने बैठेंगे, ठीक है? आ जा, इधर आ जा।
जाते हैं। आराम बैठ जाए। देखो कोई भी अल्लाह की मखलूक यहाँ पे है, ये देख, ये देख, ये देख, ये बजने लगा है, ये देख, ये देख, ये देख, कोई गुजरा उसके आगे से है। बोला क्यों नहीं है? शेट, ब्लिंक किया इसने। मैं नाज़िम दोबारा यहाँ से ऑन करता हूँ, कोशिश करता हूँ। करीब से ऑफ हो गया, ऑफ हो गया है, उसने ऑफ कर दिया है। मैं ही दोबारा ऑन किया। आ जा, ये देख सकते हैं हम यहाँ से दूर खड़े हैं नाज़िम, और ये मैं यहाँ से दिखाऊंगा, आगे ना जाइए। क्या इसके सामने से गुजर सकते हो? अगर ये लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी तो इट मीन्स कोई चीज़ आगे से गुजर रही है। ये देखें, ये देखो, ये देखो, लाइट बंद हो गई है, फिर से ऑफ कर दिया बेचारे, वो ऑफ कर दिया उस चीज़ ने, वो ऑफ कर दिया है, बज नहीं रहा, ऑफ हो रहा है। ये देखिएगा, ये मैंने नाज़िन ऑन किया, ठीक है। अब मैं इसके सामने फर्श करने खड़ा हुआ, ठीक है, अब देखते हैं ये बोलता है या नहीं, लेट सी, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ओ शिट, क्या अरम, क्या हुआ अरम? शिट, क्या कर रहा है अरम? क्या देख लिया तूने? ओए अरम, क्या था उधर? आप जब कर रहे थे हाँ। वो मोशन सेंसर वाला पीछे हाँ। कायदा दरवाजा पूरा बंद हुआ है, मैंने देखा दरवाजा बंद हुआ, मैं सर तू डर के मारे भाग गया। ओ शिट यार, वहाँ से, वहाँ से यार तुम्हारा घर है, एक सेकंड ठहरो, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मैं भी ज़्यादा नहीं करना चाह रहा। नाज़िम यहाँ पे यही दरवाज़ा बंद हुआ है, ये बंद हुआ पहले। अरम आजा, आजा ना, एक सेकंड अरम, तुम लोगों ने यहाँ रहना है, ना करो ऐसा यहाँ से, शाबाश। मैंने बाकी वहाँ पे जाके बात करते हैं, आजा बस निकल, ये चीज़ें उठा मेरे साथ। मेरे पहली बार मैंने आंखों से देखी ये चीज़, और काफ़ी मतलब खौफ तो आता है जब आप शो में भी, मैं भी जाता हूँ तो भाई डर तो लगता है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अभी मैं अकेला नहीं था और आप मेरे साथ, हाँ, ये सब हाँ, कुछ हुआ है, तो जब कोई अगर उधर अकेला जाएगा तो ये है कि मैं सजेस्ट ये करूँगा, ये देखने वालों के लिए भी है, हरम तुम्हारे लिए भी है, कि क्योंकि ये ऑब्वियसली इनका माशाल्लाह अपना घर है, ठीक है। ये इस चीज़ की वजह से मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें अगर वहाँ पे रह रही हैं उस कमरे में तो उसको छेड़ा जाए, ठीक है, या कोई कुरान खानी या कोई ऐसे रूहानी स्कॉलर से मदद ली जाए जो पता लगा से ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब ये चीज़ नहीं हो सकती जी घर चेंज कर लें, समझ लें। ये आप लोगों के लिए भी, अगर आपके घर में भी, अब देखें एक किराए का घर हो अलग चीज़ है, जब अपनी घर की मालकी हो तो फिर बंदा बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल आज का व्लॉग आप लोगों ने देखा, बिल्कुल भी ये एक बंदे ने अपने मुझे घर पे बुलाया, और जो लोग ये समझ रहे हैं ये मजाक था, ये बिल्कुल मजाक नहीं था। एक बंदा अपने घर बुला के क्यों मजाक करेगा या करवाएगा? हमारे एक्सप्रेशंस मजाक थे ही नहीं, और जितना टाइम स्पेंड किया है वो आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का ब्लॉग और भी बने और बिहाइंड द सीन्स भी मेरे शो के बने, या जिस तरह के भी आप ब्लॉग चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और अरम रिलैक्स हो जाओ, उस कमरे की तरफ अब अभी नहीं जाना, ठीक है, और इजी हो जा, कुछ और सोच, और तू ये सोच कि चैनल सब्सक्राइब करना मेरा, ठीक है, ये कह दे सबको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मुशारिफ के बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते हैं और बहुत ही क्रिएटिव ब्लॉग्स बनाते हैं, बाकी सारे ब्लॉगर्स भी अच्छे हैं लेकिन इनके काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। थैंक यू। और ये है कि आप इंस्टाग्राम अरम, मैं इसका लिंक पे डाल देता हूँ, अगर अरम को आप फॉलो करें, और ये अच्छे सिंगर भी हैं, कोई ब्लॉग बनाएंगे इसकी स्पेशल सिंगिंग पे नेक्स्ट,
अभी इजाज़त नहीं मिल रहा, और इजी रहे ठीक है, चीज़ें हैं वहाँ पे ठीक है, ये आपने भी मैं देखी। आपको उस टाइम से काम करने की ही कोशिश कर रहा हाँ हूँ। ठीक है, और हाँ मजाक में चीज़ होती गई, होती सीरियस हो गई, नीचे काली बिल्ली हमें नजर आई थी, जो तूने कहा ये कोई नहीं है, वो काली बिल्ली भी वो चीज़ हो सकती थी, मैं ये नहीं कह रहा वो है। मुशारे मुझे 5-6 सालों से जानता है और मैं काफी फन लविंग हूँ, और हाँ मेरी शक्ल पहली बार मुशारे ने ऐसे देखी होगी। ये आप लिटरली, मैं कसम खा रहा हूँ, ये बंदा किसी भी वीडियो पे हो ना या किसी भी सिचुएशन में हो, ये बंदे की हंसी नहीं रुकती, और मैं आज परेशान था, मेरे एक्सप्रेशन भी ऐसे थे, और इस बंदे ने मतलब इसके एक्सप्रेशन आपके सामने थे, ये इतना सीरियस आज मुझे कभी नहीं लगा, और ये हर टाइम हंसता है ये, और ये है कि उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो अभी इजाज़त दीजिए मुझे और अरम को, सो गुड नाइट या गुड मॉर्निंग आपके टाइम जो भी आपकी तरफ हुआ है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू, अल्लाह लास्ट। हाफिज़।